इंडिया में आपका स्वागत है। आजकल डायबिटीज एक आम बीमारी है। भारत में लगभग हर तीसरा व्यक्ति इसका रोगी है। भागदौड़ के इस समय में हमारे गलत आहार और तरीकों के कारण कई लोग टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं। भारत में लगभग 70 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। यही कारण है कि भारत को दुनिया की मधुमेह राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरे सेब से बना जूस एक ऐसा हेल्दी जूस है जिसे पीने से सिर्फ मधुमेह ही नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि यह हमारे शरीर को साफ करता है और हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। जूस पीने पर अक्सर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि मधुमेह रोगियों में शुगर का स्तर अधिक होता है। लेकिन यह स्वस्थ रस कुछ मधुमेह रोगियों के लिए ही है। डायबिटीज को कम करने के लिए ग्रीन जूस बेहद फायदेमंद है। यह रस सभी प्रकार के मधुमेह के रोगियों के लिए समान रूप से फायदेमंद है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मधुमेह। कैसे बनाएं ये हेल्दी जूस? इस जूस को बनाने के लिए आप हरे सेब, खीरा, नींबू, हरी गोभी, अजवाइन, पालक, चुकंदर, लहसुन, टमाटर, अदरक और करेले जैसे 4-5 सामग्रियों का उपयोग भी कर सकते हैं। सभी सामग्रियों को बारीक काट लें और अपनी जरूरत के अनुसार अच्छी तरह से मिलाएं। आपका हेल्दी जूस तैयार है। अपने ग्रीन जूस में फल या चीनी को शामिल करने से बचें, क्योंकि चीनी सूजन पैदा करती है और आपके पाचन को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि हरे रंग के रस से बिल्कुल विपरीत है जो आप चाहते हैं। सेब और नाशपाती अद्भुत एंजाइम और पोषक तत्वों से भरे हुए होते हैं, लेकिन आपके रस में बहुत अधिक शुगर जोड़ सकते हैं। एक जरूरी नोट, नींबू या नींबू के छिलके को कभी भी जूसर में न डालें, क्योंकि यह आवश्यक तेलों को बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेट करता है और आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रीन जूस के स्वास्थ्य लाभ। यह है विटामिन से भरपूर हरे सेब, ककड़ी, नींबू, पालक, करेला, टमाटर और लहसुन जैसी स्वस्थ सामग्री से बना यह जूस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन का बेहतरीन स्रोत है। एनर्जी भी बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह हरे रंग का जूस हमें कोई हानिकारक बीमारियों से बचाता है। साथ ही यह जूस हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है और पूरे दिन हमारी एनर्जी को बढ़ाए रखता है। यह रस हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म दर को भी बनाए रखता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह स्वस्थ रस न केवल मधुमेह के रोगियों के लिए है, बल्कि उच्च रक्तचाप और कई हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करता है। रक्त को शुद्ध करता है। हम सभी जानते हैं कि करेला और चुकंदर हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं, लेकिन यह रस एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। इस कारण से यह स्वस्थ रस हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे रक्त को साफ करता है। पाचन में सुधार लाता है। ताजा हरे रस में एंजाइम आपके पाचन स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और अधिकांश स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का कम से कम 80% हिस्सा आपके पाचन तंत्र में रहता है। आपकी त्वचा में सुधार लाता है। ग्रीन जूस में मौजूद अतिरिक्त हाइड्रेशन और आंत हीलिंग लाभ आपकी त्वचा को सुंदर बनाते हैं, इसे साफ रखते हैं और आपको अतिरिक्त चमक प्रदान करते हैं। धन्यवाद। आप बने रहिए हेल्थ इंडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो जरूर करें।